हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। सुनने स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे जो आगे आने वाले एग्ज़ाम है, पटवारी, वनपाल, वन रक्षक, हाईकोर्ट, जितने भी राजस्थान में एग्ज़ाम होंगे, उन सभी में आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक, जो खारी जिले हैं उनकी ट्रिक है। खारी जिलों को याद कर लेना, उनके अलावा जो भी जिले बच जाए उनको मीठे पानी में गिन लेना, बच जाए जो, उनकी अलग से ट्रिक बनाएंगे दोस्तों कि कौन से ज़िले में कौन सी झील है। तो आज हम ओनली खारी झीलों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी झील खारी है और वो कौन से ज़िले में है, कौन सी झील कौन से ज़िले में है। उसके लिए ट्रिक लाए हैं दोस्तों कि खारी झीलों को ट्रिक किस ज़िले में है और कौन सी झील है। तो इसको याद करने की ट्रिक है दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग, कि जैसा जैसा किसी का नाम है, जैसा कोई बोल रहा है जैसा को, कि जैसा पांच बार नाडी का जैसे लूण बिका, जैसा पांच बार नाडी का जैसे लूण बिका, जो बाप ने फल लिया। तो जो क्या हुआ कि जो पांच बार लूण बिका उसका बाप ने क्या लिया, फल लिया। तो जैसा पांच बार नाडी का क्या बिका, जैसे लूण बिका, जो बाप ने फल लिया। तो जैसा पांच बार नाडी का जैसे लूण बिका, जो बाप ने फल लिया। तो दोस्तों इनको एक एक से याद कर लेना। जैसा, जैसा से हो जाएगा दोस्तों, जैसे तो होगा जयपुर, जैसे तो होगा जयपुर, सा से हो जाएगा दोस्तों सांभर, तो जयपुर सांभर। सांभर कहाँ है, जयपुर में। पांच बार, तो दोस्तों पांच से याद हो जाएगा पंचभद्रा, पंचपद्रा, तो पंचपद्रा कहाँ पे है, बार से हो जाएगा दोस्तों बाड़मेर, बार से हो जाएगा बाड़मेर, तो पंचपद्रा कहाँ पे है, बाड़मेर में। नाडी, नाडी से दोस्तों हो जाएगा नागौर में, कौन सी है, डी, डी से डीडवाना, तो डीडवाना कहाँ पे है, नागौर में। तो दोस्तों इनके बारे में और पढ़ लेंगे। का जैसे, का जैसे, का जैसे को मतलब होगा जो काबोद झील है, नाम तो उसमें ऑप्शन में हो गई, तो आप उससे पता लगा लो कि का जैसे, का जैसे, तो का जैसे का से हो जाएगा काबोद, जैसे से हो जाएगा जैसलमेर, तो काबोद जैसलमेर में। लूण बिका, तो लूणकसर तो बीकानेर में है, ये भी सही है, कंफ्यूज नहीं हुए इसलिए बनाया कि लूणकसर कहाँ पे है, लूण बिका, लूण बिका मतलब लूण बिक गया, तो लूणकसर कहाँ पे है, लूण से लूणकसर, बी से बिका से बीकानेर। जो बाप ने, जो से हो जाएगा जोधपुर, बाप से होगा बाप झील, बाप से बाप झील, और फल से फलोदी झील। तो जोधपुर में कौन कौन सी हैं, बाप झील और फलोदी झील, ये सभी खारे पानी की झीलें हैं दोस्तों। और सांभर झील के बारे में नॉर्मल सा है कि ये प्रशासनिक रूप से जयपुर ज़िले के जो फुलेरा गांव है उसमें स्थित है, प्रशासनिक रूप से जो जयपुर ज़िले की जो फुलेरा गाँव है उसमें स्थित है दोस्तों। सांभर झील का जो तल है समुन्द्र तल से भी नीचा है, क्या है, जो सांभर झील है, सांभर झील का जो तल है वो किससे नीचा है, सांभर झील का तल समुद्र से भी नीचा है। ये इसका एक और है कि ये जो राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक व खारे पानी की झील है, क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक व खारे पानी की झील कौन सी है, सांभर झील है दोस्तों। और तो इसमें क्या है, हाँ, इसकी स्थापना कब हुई थी, और इसके स्थान पर जो केंद्र सरकार ने एक कारखाने की स्थापना की थी, हिंदुस्तान सांभर सॉल्ट लिमिटेड, दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, सांभर सॉल्ट लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1964 में, तो ये भी इसी के किनारे हैं, हिंदुस्तान सांभर सॉल्ट लिमिटेड। और दोस्तों सांभर झील को जो अंग्रेज़ों ने 1817 में जो लीज पर लिया था, 1817 के अंदर अंग्रेज़ों ने इसे लीज पर लिया था सांभर झील को, ठीक है। और इसमें नमक समझौता बाद में कब हुआ, 1859 में, ठीक है, ये याद रखना, नमक समझौता कब हुआ था इनके बीच, 1859 में। 1964 में जो हिंदुस्तान सांभर सॉल्ट लिमिटेड है उसकी स्थापना हुई थी, 1817 में ये अंग्रेज़ों ने इसको लीज पर लिया था दोस्तों, और 1859 में इसमें क्या हुआ, नमक समझौता हो गया, ठीक है दोस्तों। और इसकी जो भारत में जो राजस्थान की जो सबसे खारी है, सबसे खारी झील कौन सी है,
तो सबसे खारी स्वाद की दृष्टि से बात कर रहा हूँ मैं, तो वो है पंचबद्रा झील। जो अपने पंचबद्रा झील कहाँ पे पड़ी, बाड़मेर के अंदर। तो सबसे खारी झील स्वाद में कौन सी है, पंचबद्रा बाड़मेर, तो ये भी याद रखना दोस्तों। और सर्वाधिक फ्लोराइड कौन सी झील में है, सर्वाधिक फ्लोराइड है दोस्तों नमक, जिसमें इसको बोलते हैं डीडवाना झील, जो पड़ती है नागौर में दोस्तों। ठीक है, ये हो गए इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों, ये हो गई झीलें। अब हम कल पढ़ेंगे जो इसके बारे में, जो झीलें हैं जैसे अजमेर और उदयपुर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और हनुमानगढ़ की झीलें, बाकी जो भी झीलें आएंगी वो अगले नेक्स्ट आएगी। तो अजमेर, उदयपुर और हनुमानगढ़ की कल ट्रिक लेके आऊँगा दोस्तों, ज़रूर देखना। पहले वाले वीडियो भी ज़रूर देख लेना दोस्तों, नदियों की बना दी, और ये झील का वीडियो है, नदियों की ट्रिक है दोस्तों, देख लेना जाके, आपको हर एग्ज़ाम में काम में आएगी। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें आगे। धन्यवाद दोस्तों।